भजन संहिता अध्याय 135। भजन संहिता अध्याय 135। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मन भाव है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इसराइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा सब देवताओं से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे को उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नाश की और सामर्थ्य राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सिहोन को और बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इसराइल के भाग में होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा अनंत है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही होती है, वे मनुष्यों की बनाई हुई है। उनकी मुंह तो होते हैं परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती, उनकी कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती नहीं। जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले भी है और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इसराइल के घराने, यहोवा को धन्य कहे। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कहे। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कहे। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा परमेश्वर जो यरूशलेम में वास करता है, उसे सियोन में धन्य कहा जावे। यह की स्तुति करो।